नमस्कार, अम्मा की थाली में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैदे का नमक पारा। नमक पारा बनाना बहुत आसान है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। बनाकर किसी प्लास्टिक को या शीशे के जार में रख दीजिए। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर आज का रेसिपी हमारा आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं नमक पारा बनाना। नमक पारा बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, 4 बड़े चम्मच गरम घी लिया है, 1/2 चम्मच मंगरैल, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 कप गरम पानी हमने लिया है मैदा गूंथने के लिए। सबसे पहले हम मैदे को गूंथ लेते हैं। हम मैदे में घी डाल देते हैं, 1/2 चम्मच मंगरैल डाल देते हैं, 1/2 चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद के अनुसार। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टाइट मैदा गूंथ लेते हैं। टाइट मैदा गूंथने से नमक पारा खस्ता बनता है। मैदा हमारा गूंथा गया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, अच्छे से खिल जाए हमारा मैदा। ये हमारा 2 मिनट हो गया है, हमारा मैदा खिलकर तैयार हो गया है। अब हम नमक पारा को बेलते हैं। अब मैदे को हाथ से मसल मसल कर हम नरम करेंगे। मैदे को हाथ से हम नरम करेंगे और हम ना बड़ा लोई बनाएंगे। ना बड़ा हम लोई बनाएंगे। इसको हम बेलते हैं बेलन से। इतना बड़ा हमने बेल लिया है। अब इसको हम चाकू से कट लगाते हैं, ऐसे ऐसे। ये हमने काट लिया है। इस चाकू से हम निकाल लेते हैं इस प्लेट में। ये हमने निकाल लिया है प्लेट में। ये हमने सारे नमक पारे बेल लिए हैं, बेलकर काट लिए हैं। अब इसको हम तेल में तलेंगे। नमक पारा तलने के लिए हमने तेल पहले से ले लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे, तेल को गरम करेंगे और नमक पारा को हम तलेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम नमक पारा को तलेंगे। इसको हम बराबर चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से हमारा नमक पारा पक जाए। अब हमारा नमक पारा अच्छे तरह से पक गया है, सुनहरा कलर। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये अच्छे से हमने नमक पारे को तल लिए हैं। आप इसे चाय के साथ नाश्ते में खा सकते हैं या फिर सफर में खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं।